तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज हम आपको जो है ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से पेपर की मदद से। देखिए, आपको एक वाइट पेपर लेना होगा और इसमें कुछ आपको कलर पेपर ले लेने होंगे और एक आपको चाहिए ये फेवी गम और सीज़र चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो है जैसे ये आपका रेड पेपर है, इसको जो है ये हार्ट शेप में कट कर लेना है। आपको हम बता देते हैं कैसे कट किया जाता है हार्ट शेप में। देखिए, आप यहाँ से जो है ऐसे शेप देते हुए, हार्ट का शेप देते हुए ऐसे आसानी से जो है कट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। देखिए, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने कट कर दिया और ये हमारा हार्ट शेप में रेडी हो गया। अब हम आपको जो है ग्रीटिंग कार्ड बनाना शुरू करते हैं। इन सबको हम रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। और आपको, आपके पास कलर पेपर जितने भी हों, चाहे जो कलर पेपर आप यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको वाइट पेपर लेना होगा। वाइट पेपर हमारा ये पूरा A4 साइज का है। इसको हम कर देते हैं फोल्ड, ऐसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद प्यारे बच्चों, आपको जो है यहाँ से साइड से, देखिए ये साइड में जो है आपको ऐसे कट करना है। ऐसे कट करते हुए थोड़ा सा शेप में लाते हुए इसको ऐसे कट कर दीजिए। ये हो गया, इसको साइड में रखिए और यहाँ से भी ऐसे कट कर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा लगेगा। इसको यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए। ये हो गया, आप जो है चारों एंगल से ऐसे कट करते जाइए। यहाँ से भी ऐसे कट कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। ये हमने शेप में कट कर दिया है प्यारे बच्चों। इसको हम साइड में कर देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने से पहले से ही जो है हार्ट शेप में कट कर लिया था, ये हमारा है। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे फेवी स्टिक, पहले यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे बीच में जो है आप ऐसे लगा दीजिएगा। ये देखिए, आराम से लगाइएगा। अगर आपके कोई बड़े हैं, गार्जियन हैं, तो उनकी मदद ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये इसको जो है हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया पेस्ट यहाँ पे हमारा प्यारे बच्चों। पूरा पेस्ट मत करिएगा, बीच में जो है ऐसे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद ये पेस्ट करने के बाद आपको जो है ये वाइट कलर का जो है हार्ट शेप में कट कर लीजिए। फिर इसमें भी ऐसे गम लगा दीजिए। गम लगाने के, पूरा गम मत लगाइएगा, बीच में केवल लगाइएगा। लगाने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों। ये यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया हमारा यहाँ पे पेस्ट। अब हम लेते हैं ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे पेस्ट करना है और ये आपका न्यू ईयर का कार्ड रेडी हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसे अंदर की तरफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पर, हमने ऑलरेडी ही कई जो है हार्ट शेप में कट करके रखा हुआ था, इसको हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कभी भी ग्रीटिंग कार्ड बनाया है किसी भी अपने फ्रेंड के लिए या अपने किसी परिवार के लिए, तो आप कमेंट करके हमें बताइए प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं मैं और किसी दूसरे तरीके से कोई क्राफ्ट बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। इसको हम यहाँ पे ऐसे वाइट वाला भी पेस्ट कर देते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए, थोड़ा सा, पूरा पेस्ट मत करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ये गैप है। देखिए ये बहुत ही प्यारा लग रहा है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो आप वाइट लगा सकते हैं, लेकिन वाइट अच्छा नहीं लगेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे अब हम ग्रीन का यूज करेंगे। ये देखिए, इसको जो है हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वाओ, यहाँ पे पेस्ट करिए। इसके बाद वाइट वाला यहाँ पे बीच में, वाइट, ग्रीन वाइट बहुत ही अच्छा लगता है प्यारे बच्चों। ये हो गया, यहाँ से ऐसे पेस्ट कर दीजिए। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया प्यारे बच्चों। अब भाई हमारा यहाँ पे एक और बचा हुआ है रेड वाला, इसको हम इस साइड पेस्ट कर देते हैं। बहुत सिर्फ हमने हार्ट का यूज किया है और बहुत ही आसान, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाएगा ग्रीटिंग कार्ड, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये बहुत ही सस्ता है प्यारे बच्चों। लगभग आपका जो है 10 से 15 रुपए में ये रेडी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा यहाँ का, देखिए ये हो गया और ये हो गया। अब आपको करना क्या है, ये एक पेपर लेना है, दो पेपर लेना है सॉरी बच्चों। इसको जो है आपको ऐसे रोल करना है, ऐसे रोल करते जाइए। देखिए, इससे हम आपको फ्लावर बनाना सिखाएंगे। फ्लावर बना के इसको आपको जो है इसमें पेस्ट कर देना है ग्रीटिंग कार्ड में, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ लगा देंगे। देखिए, इसको रोल करते जाइए, यहाँ पे आप ऐसे रोल करते जाइए प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको करना क्या है, सीज़र लेना है। अगर आप सीज़र नहीं चला पाते हैं तो आप
अपने किसी बड़े या गार्जियन का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से हम बीच से ऐसे कट कर देंगे। यहाँ से आप बीच से कट करिए। बीच से कट करने के बाद आपको जो है यहाँ से देखिए लीव्स के शेप में जो है आपको ऐसे कट करना है। यहाँ से ऐसे कट करते जाइए, यहाँ से इसको अंदर की तरफ कर दीजिए। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा यहाँ तक, और ये वाला जो है इसको वेस्ट है, इसको हम निकाल देंगे, बाहर की तरफ कर देंगे इसको। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से जो है आपको इसको ऊपर की तरफ खींचना है। देखिए ऊपर की तरफ हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचिए और आराम से खींचिएगा प्यारे बच्चों। दो ठो पकड़ लीजिए यहाँ पे। ये हो गया यहाँ तक, इसको हम ऐसे घुमा देंगे, घुमाते जाइए ऐसे। ये देखिए इसको घुमा कर जो है फिर इसको हम ऐसे अंदर की तरफ दबा देंगे। ये अंदर की तरफ ऐसे दबा दीजिए प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा ई। इसको दबाने के बाद आपको यहाँ से इसको कट कर देना है, यहाँ से कट करके निकाल दीजिए इसको। अब देखिए आपको करना क्या है, इसको जो है जो लीव्स आपका है इसको निकाल दीजिए। आप सब जितने भी हैं इसको निकाल दीजिए, इसको साइड में रखेंगे हम। ये सब जो लीव्स हैं इसको भी आप साइड साइड में ऐसे चिपकाते जाइए प्यारे बच्चों।